अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन बुधवार को बस्तवारा में आयोजित कर केंद्र व राज्य सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। मुख्य सचेतक सह ग्रामीण विधानसभा के विधायक ललित कुमार यादव ने कहा, बिहार के डबल इंजन की सरकार में विकास व न्याय की नींव को मजबूत करने के बदले जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र की जन विरोधी नीति ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। युवाओं के साथ समाज के सभी वर्ग जन विरोधी नीति ने प्रभावित किया है। शैक्षणिक व्यवस्था चौपट है। राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने फिरका प्रस्त ताकत के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने दिया। अखिलेश समाज को ताकत देकर राजद ने हमेशा सम्मान देकर राजनीतिक भागीदारी दी है। अध्यक्षता राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गुलाम हुसैन चीना ने आगत अतिथि को टोपी साफा व पुष्प भेंट कर सम्मानित किया। राजद अखिलेश प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर खालिक अंसारी ने कहा, भाजपा भारतीय संस्कृति को कमजोर कर देश की जनता को गुमराह कर रही है। गरीब दलित अल्पसंख्यक समाज को मोबिलिचिंग के माध्यम से परेशान किया जाना चिंताजनक है। गरीब व अखिलेश के मसीहा लालू प्रसाद व प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जो भाजपा के विरुद्ध अभियान चलाया है, उस पर संगठन के माध्यम से मजबूत करना है। राजद प्रदेश महासचिव सुनीति रंजन दास ने कहा, भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर देश की संस्कृति में विश्वास रखने वाली पार्टी राजद के नींव को ग्रास रूट पर मजबूत करे। राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कलीमुद्दीन राही ने कहा, वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर मिथिलांचल को सम्मान दे। युवा राजद नेता अमजद इकबाल के आवासीय परिसर में जुटे कार्यकर्ताओं ने लालू राबड़ी तेजस्वी खालिद का जय जयकार किया। मौके पर युवा राजद अध्यक्ष राकेश नायक, विनोद भगत, महताब सिद्दीकी, नाहिद मुश्ताक, सैयद जावेद इकरामुल हक, रघुनंदन ताती, प्रदेश महासचिव जुबैर आलम, अमरेंद्र यादव ने विचार रखे। दरभंगा जिला प्रधान ने राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष के साथी भाई गुलाम हुसैन चीना जी इस आयोजन के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।